आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम सिडौरा की जो बस स्टैंड है वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये गली देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मेन मार्केट की तरफ जाती है और बाजार में आज इस कदर रश है कि पैर रखने की, जिसे बोलते हैं पैर रखने की भी जगह नहीं है बाजार में, इस कदर भीड़ है। आज दीपावली के अवसर पर लोग खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है और हालात इस कदर उत्पन्न हो चुके हैं कि कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं आगे निकला जाता है। तो ये एक उत्साह अब की बार शायद देखने को मिल रहा है काफ़ी समय के बाद कि लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, जिसका आलम यह है कि बाजार में इस वक्त इस कदर भीड़ है कि आप घुस नहीं सकते, इतनी भीड़ बाजार में देखने को मिलेगी। तो चलिए लोगों के रिव्यू भी जानेंगे, सोच रहा है अब की बार दीपावली का कैसे लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं, क्या पिछले साल से बेहतर है, तमाम जानकारी लोगों से हासिल करेंगे, दुकानदारों से हासिल करेंगे। तो दोस्तों इस वक्त बाजार में हमारे साथ गौतम डांग मौजूद हैं और अच्छा खासा नाम भी है। तो गौतम जी, कैसा है अब की बार दीपावली का जो रिस्पॉन्स है, कैसी भीड़ है? ये आप सबको पहले हैप्पी दिवाली, आप सब अच्छी हो, दिवाली अच्छी हो, काम अच्छा है, बहुत टाइम बाद काम खुला है, काम अच्छा है, हर जगह सब आ रहे हैं बाजार में दिवाली के सामान ले रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह सब काम अच्छा चल रहा है। तो अब की बार वैसे हर साल के मुकाबले में रिस्पॉन्स अच्छा है? हाँ जी, इस बार काम बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, हर एक का काम अच्छा है, हर एक का। तो क्या कारण हो सकता है कि इसलिए शादियाँ भी साथ साथ आ गई हैं, त्यौहार भी साथ साथ आ गए हैं, इस कारण पैसा भी लोगों पर आ गया है फसल का, तो इस करके अच्छा काम चल रहा है बाजार में, हर एक अच्छा रौनक है। आपका कैसा काम है अगर वैसे बात की जाए दिवाली से? आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, इस सब खड़े हैं तो पूछिए, काम अच्छा चल रहा है। तो ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद है जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी कहाँ से आप? मैं रतवाला से। तो गौतम के पास आप कपड़े खरीदने के लिए पहुँचे हो? जी आज से नहीं, हम तो बहुत टाइम से, बहुत पहले से आते हैं। गौतम नाम नहीं, एक ब्रांड है सिडौरा का, ब्रांड है। कैसी क्वालिटी रहती है? क्वालिटी इससे ऊपर क्वालिटी हमारे को कहीं से मिलती नहीं है और रेट जेन्युइन रहे, सिडौरा से नहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो रेट का क्या हिसाब है? रेट बहुत जेन्युइन रेट, खुद का इनका जो मार्जिन है वो लेते हैं, बाकी रेट बहुत है। भाई शोरूम में जाएंगे जो चीज़ वहाँ पे 2000 की मिलेगी, शायद गौतम को 1000 की मिल जाएगी, इतना डिफरेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो सबको, आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। पवन सचदेवा, पवन सचदेवा, सचदेवा इलेक्ट्रिकल सिडौरा मेन बाजार हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने अच्छा खासा यहाँ पर दुकान की सजावट भी कर रखी है, लड़ियाँ लुड़ियाँ जैसे आजकल दीपावली पर अक्सर बिकती हैं। तो जी सर, क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है इस बार मार्केट में दीपावली के? दीपावली के पिछले टाइम से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और सेल भी ठीक है। तो और किस कारण से अच्छा लग रहा है आपको कि भीड़? नहीं, हाँ भीड़ से, और हमें तो गाहकों से लग रहा है ना, गाहक हमारे पास ठीक ठाक है। अच्छा। हाँ जी, तो आप ये लड़ियाँ यहाँ पर सेल कर रहे हो तो कैसे? ये 20 रुपए से स्टार्ट हो गए और 900 रुपए 1000 रुपए तक है। अच्छा, आपके पास 20 रुपए से स्टार्ट हो के 1000 रुपए तक? 1000 रुपए तक है। तो क्या कारण हो सकता है कि इस बार दीपावली हर साल से बेहतर भी है और ग्राहक भी आप बता रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या ये है? एक तो फसल आई है अभी अभी, और कुछ जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको भी तनख्वाह वगैरह ठीक, और काम बहुत अच्छा काम है पिछले साल से, अब की बार अच्छा काम बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू। सुमित जी, क्या कुछ किस चीज़ की दुकान आपने? की। कैसा है अब की बार दिवाली? बहुत अच्छा है, बहुत भैया अच्छी है, भैया बहुत अच्छा। कितने साल से अच्छी है? पिछले साल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो कैसे आपने जो सामान लगा रखा है, कहते हैं 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की आइटम है, 1000 रुपये तक की गिफ्ट आइटम है, ड्राई फ्रूट है इसमें, और गिफ्ट जिसमें गिफ्ट पैक है पिकानो, हल्दी आम, पिनाकी, फ्रूटी गया के सबके गिफ्ट पैक है। तो बिक भी रहा आपका? बहुत अच्छा हो रहा है इसको। हाँ जी,
नवीन कपूर। हाँ जी, तो आप ने मिठाइयों की दुकान लगाई है? हाँ जी हाँ जी। तो आपकी यहाँ पे फिक्स है दुकान? हाँ बढ़िया ठीक कर रही है। जाऊँ हाँ, तो क्या रिस्पॉन्स है आपकी बार, कैसी बस? ठीक बिक रही सर, बहुत बढ़िया। तो मिलावट मुलावट तो नहीं? कोई मिलावट नहीं, आप प्योर है दुकान, चेक करके जब मर्जी कर सकते हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा कुलदीप है, कुलदीप सैनी। अच्छा, तो आपने तो बहुत खूबसूरत सजावट कर रखी है। जी, वो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है जी दिवाली, का अपने देश में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, तो इसके लिए हम पूरी सजावट करते हैं, पूरी मिठाइयाँ से वैरायटी बनाते हैं। पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे ज़्यादा आइटम ऐसे त्यौहार करते हैं। खुद ही तैयार करते हैं? सब अपना तैयार किया हुआ है जी, कोई रेडीमेड बाहर से मंगाते नहीं, और शुद्ध मिठाई बिल्कुल अपने हाथों से अपने कारीगरों के द्वारा बनाई है। 10-12 बंदे लगे हुए और तकरीबन 3-4 दिन की तैयारी भी लगे हुए, बिल्कुल प्योर शुद्ध है, कोई मिक्स मिलावट नहीं है। अपना दूध आता है डेली सुबह शाम का, तो आपकी बार कैसा है दिवाली का रिस्पॉन्स? जैसे हम लोगों से सवाल बार बार पूछ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको दिवाली? आज छोटी दिवाली है और कल है बड़ी, तो आज के हिसाब से भी मार्केट काफी अच्छी चल रही है अभी तक, तो बाकी कल ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, वैसे ही एवरेज जैसे ही साल का होता था आज वैसे ही होता है, अभी तक तो एवरेज चल रही है। लोगों को कहना चाहूंगा जी, रेडीमेड जो रखते हैं दुकानदार पता ही है सबको, उनसे बचे, साफ सुथरा सामान है अच्छा ले, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोगों का आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अंकल जी हैं, इन्होंने यहाँ पर दुकान लगा रखी है और ये बना रखे हैं इन्होंने हांडिए और जो पूजे होते हैं दीपावली के लिए, जो दीप जलाए जाते हैं उनके लिए ये बना रखे हैं तमाम चीज़ें। तो क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, तो कैसी लग रही है आपकी? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ठीक ठाक। हर साल के मुकाबले में क्या रिस्पॉन्स आपको देख रहे हैं? अब बढ़ रहा है जी, 2-3 साल से। अच्छा, 2-3 साल से। तीन साल से बढ़ रहा है, दीवा अच्छा बिक रहा है, बर्तन ठीक ठाक बिक रहे हैं। तो कितने का देते हैं एक बर्तन आप? बस वो अलग अलग बार रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो क्या कुछ संदेश लोगों के लिए आप देना चाहते हैं? ये कहें दिवाली पे सब दीपक जलाओ, बनाओ, और हमारे जो भाई हैं उनको भी रोजगार मिले, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आपके नेरा टीवी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। कितने बैठे हो, कैसा अब की बार देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स जनता का दीपावली को लेकर? उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी रौनक भी है, चहल पहल भी अच्छा है, और लोग जागरूक हो रहे हैं अपने पुराने कल्चर उसके अंदर। पहले लड़िए अब चाइनीज आइटम लेते थे, अब दीपावली के दीवे हम देख रहे हैं मार्केट में, बहुत अच्छी चहल पहल है, रौनक अच्छी है, दिल लगा हुआ है, बहुत प्रोग्रेस मिल रही है, पहले से ज़्यादा काम में भी अच्छा है। जैसे कोरोना वगैरह ने का मार्केट में काम को डाउन कर दिया था, लेकिन इस साल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जग भर में लोग निकल रहे, घर से बाहर आए हैं, और कोरोना को अब फेल कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम है, रिजल्ट अच्छा है मार्केट के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत। जी सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सर। कहाँ से हो सर आप? मैं यहीं सडौरा का रहने वाला हूँ। तो क्या कुछ बेच रहे हो आप? दिए बेच रहे हैं जी, मिट्टी के। तो हर साल यही पे लगाते हैं? यही लगाता हूँ जी। तो अब की बार क्या है पिछले साल जो नहीं था? सर क्रेज खत्म हो गया लोगों का दिए जलाने का, मतलब ये है कि बस काम चलाने के लिए है कि हाँ बस मिट्टी के दिए जलाने हैं, बस ये है, बहुत कम हो गया काम अब। पिछले साल से भी कम है? बहुत कम है जी। लोग तो बोल रहे हैं कि पिछले साल से अब की बार रिस्पॉन्स अच्छा है। नहीं, बहुत कम है। आपको कम लग रहा है? मतलब दिए जो जितनी बिक्री होनी चाहिए वो बिक्री नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई की मार ज्यादा है, मिट्टी जो थी पहले हम ऐसे ही खेतों से फ्री लाते थे, अब पैसों में आती है मिट्टी हमारी, 8,000 रुपए की ट्रैली है, उसके बाद उपले। कौन सी मिट्टी? चिकन मिट्टी होती है जी ये, प्योर, उसके ही बर्तन बनते हैं। ये भी आपको मॉल खरीदनी पड़ती है? हाँ जी, हाँ पैसों की आती है जी, 8,000 रुपए की ट्रैली है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सर यही है कि सब अपने दिए जलाओ जी मिट्टी के, और इस परंपरा को जो हमारी पुरानी है उसको जागरूक रखो, जो हमारे पुराने बुजुर्ग करते थे ये चीजें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा, तो किस चीज की दुकान? कॉस्मेटिक एंड डेकोरेशन। पुरानी दुकान हो गया? कम से कम 30 साल। कम से कम 30 साल, तो 30 साल से आप लगातार देख भी रहोगे, तो कैसा लग रहा है आपकी बात? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रस भी ठीक है मार्केट? बहुत अच्छा रस। तो खरीदारी भी है? बिल्कुल है, हर साल से बेहतर है। हर साल से ज्यादा। क्या
क्या कारण आपको लग रहा है कि किस वजह से लोगों को उत्साह है त्योहार का? उत्साह तो हर साल होता है, तो किस वजह से क्या कारण लगता है आपको? अब की बार लोगों के पास पैसा भी है, जैसे कि फसल भी टाइम से आ गई थी, त्योहार भी सही महीने में आया है, क्योंकि अब तक सभी किसान फ्री हो जाते हैं तभी करके। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सब त्योहार मिलजुल के मनाएं, खुशी से मनाएं, बुरे नशों से दूर हों। ठीक है सर, थैंक यू।